अभी तक आप सुन रहे थे चाणक्य नीति का 15वां अध्याय। अब हम बढ़ते हैं 16वें अध्याय, चलिए आरंभ करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिन लोगों ने ना तो इस भौतिक संसार का ही उपयोग किया और ना ही परलोक को सुधारने के लिए प्रभु की पूजा पाठ की और ना ही धर्म का संग्रह किया, ऐसे लोगों को जन्म देना माता के लिए व्यर्थ ही हुआ। कहते हैं कि सफलता तो तभी मिलती है जब इस लोक में सुख उठाते हुए परलोक सुधार के लिए धर्माचरण किया जाए। आगे चाणक्य का मानना है कि कुलटा स्त्रियों का प्रेम एकांकित ना होकर बहुजनी होता है। उनका कहना है कि कुलटा स्त्रियां पराए व्यक्ति से बातचीत करती है, कटाक्ष पूर्वक देखती है और अपने हृदय में पर पुरुष का चिंतन करती है। इस प्रकार चरित्रहीन स्त्रियों का प्रेम अनेक से होता है। चाणक्य ने यहाँ पर कुलटा स्त्रियों के हाव भाव और चरित्र का स्पष्ट वर्णन किया है। जो व्यक्ति माया के मोह में वशीभूत होकर यह सोचता है कि अमूक स्त्री उस पर आशक्त है, वह उस स्त्री के वश में होकर खेल की चिड़िया की भांति इधर उधर नाचता फिरता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही मोह माया से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। उनका कहना है कि धन वैभव को प्राप्त करके ऐसा कौन है जो इस संसार में अहंकारी ना हुआ हो। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन धीर पुरुष है जिसका मन स्त्रियों के प्रति व्याकुल ना हुआ हो। ऐसा कौन पुरुष है जिसे मृत्यु ने ना दबोचा हो। ऐसा कौन सा भिखारी है जिसे बड़प्पन मिला हो। ऐसा कौन सा दुष्ट है जो अपने संपूर्ण दुर्गुणों के साथ इस संसार में कल्याण पथ पर अग्रसर हुआ हो। भाव यह है कि इस नश्वर संसार की मोह माया से छूटना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। स्वर्ण मृग ना तो ब्रह्मा ने रचा था और ना किसी और ने, उसे ना तो बनाया गया था, ना पहले कभी देखा गया था, ना कभी सुना गया था। श्री राम की उसे पाने की इच्छा हुई, अर्थात सीता के कहने पर वे उसे पाने के लिए दौड़ पड़े। किसी ने ठीक ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। यहाँ चाणक्य सिर्फ यह समझाना चाहते हैं कि जब विनाश आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। आगे चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अपने गुणों से ही ऊपर उठता है, सिर्फ ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से कोई भी व्यक्ति ऊंचा नहीं बन जाता। उदाहरण के लिए महल की चोटी पर बैठ जाने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। आगे समझाते हैं कि गुणों की सभी जगह पूजा होती है, ना कि बड़ी संपत्तियों की। क्या पूर्णिमा के चांद को उसी प्रकार से नमन किया जाता है जैसे द्वितीया के चांद को। भाव यह है कि चंद्रमा किसी भी रूप में रहे, विद्वान व्यक्ति के गुण की भांति उसे हर स्थिति में नमन करते हैं। आगे कहते हैं कि दूसरों के द्वारा गुणों का बखान करने पर बिना गुण वाला व्यक्ति भी गुणी कहलाता है, किंतु अपने मुख से अपनी ही बड़ाई करने पर इंद्र भी छोटा हो जाता है। भाव यह है कि आत्म प्रशंसा से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं कहलाता, अपितु जब दूसरों के द्वारा प्रशंसा की जाती है तभी वह व्यक्ति गुणी कहलाता है। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। जिन गुणों की प्रशंसा दूसरे करते वे ही गुण सच्चे होते हैं। जो व्यक्ति विवेकशील है और विचार करके ही कोई कार्य संपन्न करता है, ऐसे व्यक्ति के गुण श्रेष्ठ विचारों के मेल से और भी सुंदर हो जाते हैं। जैसे सोने में जड़ा हुआ रत्न स्वयं ही अत्यंत शोभा को प्राप्त हो जाता है। आगे समझाते हैं कि जो धन अति कष्ट से प्राप्त हो, धर्म का त्याग करने पर प्राप्त हो, शत्रु के सामने झुकने अथवा समर्पण करने से प्राप्त हो, ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। कहते हैं कि आत्मसम्मान को नष्ट करने वाले धन की अपेक्षा धन का ना होना ही अच्छा है। आगे समझाते हैं कि उस लक्ष्मी से क्या लाभ जो घर की कुल वधू के समान केवल स्वामी के उपभोग में ही आए। उसे तो वैश्या के समान होना चाहिए जिसका उपयोग सब कर सके। यहाँ चाणक्य समझाना चाहते हैं कि संपत्ति धन वैभव वही अच्छा है जिसका उपयोग सभी के हित के लिए होता है। यदि धन पर कुंडली मारकर एक ही व्यक्ति बैठा रहे और केवल अपने ही स्वार्थ के लिए उसे खर्च करे तो ऐसा धन किसी भी लाभ का नहीं है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में आज तक किसी भी इंसान को प्राप्त धन से, इस जीवन से, स्त्रियों से, खान पान से पूर्ण तृप्ति कभी नहीं मिली। पहले भी, अभी भी और आगे भी इन चीजों से संतोष होने वाला नहीं है। इनका जितना अधिक उपभोग किया जाता है उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाती है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, वे कभी भी पूरी नहीं होती। एक इच्छा के पूरे होने पर दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने आप से कभी भी संतुष्ट नहीं होता, अतः संतोष ही सबसे बड़ा धन है। आगे चाणक्य कहते हैं कि तिनका हल्का होता है, तिनके से भी हल्की रुई होती है, रुई से भी हल्का भिखारी होता है, तब वायु इसे उड़ाकर क्यों नहीं ले जाती। संभवतः इस भय से कि कहीं यह उससे भी भीख न मांग ले। मांगने वाले से सभी डरते हैं, वह उनसे कुछ न कुछ मांग बैठता है क्योंकि देना कोई नहीं चाहता। वैसे भी भिखारी निंदा के योग्य ही है। आगे कहते हैं कि जो विद्या पुस्तकों में लिखी है और कंठस्थ नहीं है, तथा जो धन दूसरों के हाथों में गया है, ये दोनों आवश्यकता के समय काम नहीं आते। अर्थात पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरों के हाथों में गया धन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। विद्या को सदैव
कंठस्थ करना चाहिए और धन को सदैव अपने हाथों में रखना चाहिए ताकि वक्त आने पर वह हमारे काम आ सके। यहाँ पर समाप्ति होती है 16वें अध्याय की। अब हम बढ़ते हैं अंतिम और 17वें अध्याय की ओर।